हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो जैसा कि आपको पता है कि आज मैं अपना पूरे दिन का शेड्यूल बनाने वाला हूँ यूट्यूब ब्लॉग में। तो अभी बज गए हैं सुबह के 8, तो अभी फटाफट होते हैं रेडी। तो मैं आपको आज अपने पूरे दिन का शेड्यूल दिखाऊंगा कि मैं पूरे दिन में क्या करता हूँ। तो मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिएगा। तो अभी बज गए हैं सुबह के 8, अभी फटाफट रेडी होते हैं और अपने लड्डू और राधा रानी को उठाते हैं, फिर जाते हैं दुकान पर। तो अभी फटाफट मैं रेडी हो जाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ बाकी का वीडियो में। तो गाइस, हाथ मुँह मैंने धो लिए हैं, ब्रश भी कर लिया है, अभी चलते हैं हम अपने लड्डू और राधा रानी को उठाने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हो, लड्डू और राधा रानी अभी हमारे सो रही हैं। तो हमारी शुरुआत होती है इनके आशीर्वाद से ही। तो अभी फटाफट इन्हें उठा देते हैं और फिर चलते हैं दुकान की तरफ। तो गाइस, अभी लड्डू गोपाल को मैं उठा रहा हूँ। तो मैं आज आपको अपने पूरे दिन का शेड्यूल दिखाने वाला हूँ कि पूरे दिन में मैं किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करता हूँ। तो फाइनली हमारे लड्डू गोपाल उठ गए हैं। तो एक बार कमेंट में राधे राधे ज़रूर टाइप करना। तो गाइस, अभी हमने लड्डू और राधा रानी को उठा दिया है, अभी चलते हैं हम अपनी दुकान की तरफ और फिर मैं आपको बाकी का मैं आपको दिखाता हूँ। और ये फ्रेडी आज देखो हमारे साथ है। फ्रेडी फ्रेडी, ये पीछे फ्रेडी का बिस्तर लगा हुआ है। फ्रेडी को बस जब भी वीडियो में फ्रेडी को लेना होता है, ये खुजली करती रहती है, बस खुजाने का काम है इसको। तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ दुकान पर, तो मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में। गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ दुकान पर, तो अभी पहले मैं जाऊँगा ऑफिस। ऑफिस भी एक्चुअली जरूरी है। तो गाइस, मैं अभी आ गया हूँ अपने ऑफिस। ये मेरा ऑफिस है, ये अभी एक्चुअली इसमें थोड़ा काम शुरू होने वाला है। ये कुछ मेरे सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे GST है और फूड लाइसेंस वगैरह होते हैं वो। तो अभी ऑफिस तो अपना ओपन हो गया है, तो अभी पहले चलते हैं दुकान पर, फिर उसके बाद आकर काम शुरू करते हैं। ये मेरा फ्रंट ऑफिस है, पुष्पा एंटरप्राइजेस। तो अभी जा रहे हैं हम दुकान पर, फटाफट दुकान पर जाते हैं, होते हैं, फिर आते हैं घर पर वापस। तो गाइस, मैं आ गया हूँ अपनी दुकान पर। तो अभी पापा गए हैं घर पर रेडी होने के लिए। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि पापा भी रेडी होने गए हैं, तो वो लगभग आएंगे 1-1.5 घंटे में। तो इतने दुकान का मतलब दुकान की जिम्मेदारी हमारी होती है, दुकान हम संभालेंगे इतने। तो दुकान तो मैंने आपको दिखाई हुई थी, आज ऑफिस भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऑफिस में अभी तो फ़िलहाल स्टॉक वगैरह आ नहीं रहा है,
क्योंकि थोड़ा सीज़न डाउन जा रहा है अभी हमारा। एक्चुअली मेरा ज़्यादातर कोल्डिंग का काम है ना, तो अभी तो सीज़न थोड़ा डाउन जा रहा है, बाकी अभी कंटिन्यू में आएगा, कुछ टाइम लगेगा, मतलब कुछ दिन में नया स्टॉक वगैरह आएगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। चलते हैं हम अपनी दुकान की तरफ और संभालते हैं गद्दी। अभी हम बैठ गए हैं अपनी दुकान की गद्दी पर, तो अभी देखते हैं क्या कुछ सामान आना है, क्या आना है, किसका पेमेंट होना है। तो अभी लगभग 8:30 बज चुके होंगे, तो अभी फ़िलहाल हम दुकान पर बैठते हैं। अभी जब पापा आएंगे तो फिर हम दोबारा से घर पर जाएंगे, हम भी रेडी होंगे, पूजा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर। तो गाइस आज ब्लॉग मेरा थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आज मैं आपको पूरे दिन का अपना शेड्यूल दिखाने वाला हूँ कि पूरे दिन मैं कैसे टाइम स्पेंड करता हूँ मैं, और दुकान किस तरीके से मैं हैंडल करता हूँ, और काम को मैं अपने किस तरीके से हैंडल करता हूँ। अभी तो थोड़ा टाइम मेरे को इसलिए मिला हुआ है क्योंकि एक तो मेरा जो मतलब मेरा जो बिजनेस है उसमें थोड़ा सीज़न की वजह से काम मंदा है, तो अभी कंपनीज़ वाले भी नहीं आ पा रहे हैं इस वजह से मार्केटिंग के लिए, क्योंकि कंपनी वाले आते हैं मार्केटिंग के लिए, तो इसलिए थोड़ा मैं अभी फ्री हूँ। तो अभी हम लोग मतलब जैसे जैसे टाइम मेरे को मिल रहा है मैं वैसे वैसे व्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि 2-4 दिन से हमारा चैनल बहुत ही डाउन जा रहा है, मतलब जो इम्प्रेशन पड़ता है ना CTR का, वो एक्चुअली बहुत डाउन जा रहा है। वो पता नहीं क्यों जा रहा है, या तो हमारा मतलब कंटिन्यू नहीं है अभी यूट्यूब पर इसलिए जा रहा है, या फिर मतलब पीछे भी हम लोगों का चैनल डाउन हो गया था लेकिन वीडियोस हमारी कंटिन्यू डल रही थी उस टाइम भी। तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते कि क्यों जा रहा है मतलब यूट्यूब डाउन। तो यार देखो थोड़ा सा हमें सपोर्ट वगैरह करते रहो, बहुत जल्द चैनल हमारा मोनेटाइज हो जाएगा। हम वॉच टाइम पे बहुत काम कर रहे हैं, इस टाइम अगर नहीं हुआ तो यार पूरी मेहनत मतलब पानी में तो नहीं जाएगी, लेकिन अभी हमारे जैसे जैसे मतलब सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो अगर हम लोग मतलब फरवरी के बाद भी अगर हम टाइम वॉच आवर्स बढ़ाते हैं, वॉच टाइम बढ़ाते हैं, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी क्या है ना, अगर इस साल में ही फरवरी से पहले पहले अगर हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लगभग मोनेटाइजेशन के लिए लगभग लगभग 1.5 महीना तो लगता है, जो हर चीज़ का वेरिफिकेशन होता है, एड्रेस प्रूफ होता है, और हमारा अकाउंट भी देखा जाता है, उसे एनालाइज किया जाता है, तो वो लगभग लगभग 1.5 महीना तो हो ही जाता है अकाउंट, तो उसमें भी कुछ अर्निंग नहीं होगी। बेसिकली मेन जो हमारा मतलब विज़न है वो अर्निंग तो है नहीं, देखो मैं आपको सही बताऊं, ठीक है, बस इतना ही कि ये है अपनी एक पहचान बनानी है लोगों के बीच में, और वैसे तो बनी हुई है ऑफलाइन, अभी ऑनलाइन भी बनानी है, ठीक है। तो इस चीज़ में आप हमें थोड़ा सपोर्ट करें। बाकी मैं आपको आज अपने पूरे दिन का शेड्यूल दिखाने वाला हूँ कि कैसे क्या चीज़ होती है, और आज हमारा मतलब एक मैं एक श्राद्ध भी है, तो आज उसकी भी हम पूजा वूजा करने वाले हैं, ठीक है, जो भी श्राद्ध में होता है, खीर बनती है, पूरी बनती है और उन्हें पूजते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और प्लीज़ यार थोड़ा मतलब वीडियो का स्क्रिप्ट वगैरह मत करना, क्योंकि जो इम्प्रेशन जो पड़ता है ना वो सामने वाली मतलब ऑडियंस कितनी लॉन्ग हमारी वीडियो देख रही है वो डिपेंड करता है उस पर, मतलब इम्प्रेशन डिपेंड करता है कि ऑडियंस कितनी लॉन्ग वीडियो को कितनी देर तक देखेगी, तो वो चीज़ इम्प्रेशन पड़ता है उस चीज़ पर। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि स्क्रिप करके ना देखें वीडियो को, ब्लॉग थोड़ा यार बोरिंग वगैरह है, ठीक है, लेकिन अभी क्या है ना, अभी हम लोग इससे भी अच्छा बनाएंगे, देखो बिगनर ही हैं अभी, तो स्टार्टिंग ही है यार हमारी भी, कि मतलब क्या व्लॉग बनाएंगे, डेली कहाँ से टॉपिक लेकर आएंगे। मैंने रात भी लगभग लगभग मैंने बहुत वीडियोस वगैरह देखी थी, तो उसमें भी यार यही था डेली का शेड्यूल अपना। तो अभी जो हमारा शेड्यूल चल रहा है मैं आपके साथ वही डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी मैं अभी दुकान पर आया था, अभी मैं दुकान पर बैठा हूँ, तो अभी पापा लगभग 1-1.5 घंटे बाद आएंगे, मैं आपको फिर बाकी का मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो गाइस मैं अभी व्लॉग मतलब अभी जो शूट कर रहा था, तो मैं अभी व्लॉग शूट कर रहा था, तो एक है स्ट्रीट डॉग, तो जब भी मैं दुकान पर आता हूँ वो मेरे को देख के ज़रूर पीछे पीछे आती है, और मैं उसे बिस्किट वगैरह डालता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अभी ये है
ये जब भी मैं आता हूँ ये आती है जरूर पीछे से भागी भागी, और जब तक मैं इसे कुछ ना दूँ तो ये जाती ही नहीं है। अभी भी यहीं पे बैठी रहेगी। अभी दूध मंगवाया है मैंने, अभी दूध भी पिलाना ही था। तो गाइस अगर आपके वहाँ पे भी स्ट्रीट डॉग है तो आप उसे भी फीड वगैरह करें, ज़्यादा कुछ नहीं, जो भी आपसे हो सके वो फीड करें। तो गाइस पापा आ गए थे दुकान पर, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर पर, शूट नहीं कर पाया था मैं वहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि आज हमारे पिताजी का माइंड कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल पे है, तो इस वजह से शूट नहीं कर पाया था, गर्म हो रहे थे। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर पर, तो दिखाते हैं बाकी साफ करते हैं, जा रहा हूँ ऑफिस वगैरह साफ, अपना ऑफिस पे जाके सफाई वगैरह करते हैं, फिर मैं आपको बाकी का दिखाता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ घर पर, तो अभी थोड़ी देर बैठते हैं, फिर उसके बाद हम भी रेडी होते हैं। अभी फ्रेडी भी बैठ गई है, ये देखिए फ्रेडी, फ्रेडी आज के व्लॉग में आएगी ना, ये देखो फ्रेडी अभी से पागल होने लगी है, ऐसा लग रही है भूख, इसे उठते के साथ ही खाना चाहिए होता है। अभी इसका भी अभी सब सोकर उठे हैं, तो अभी धीरे धीरे सब लोग जगेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे, फिर मिलते हैं हम आपसे बिल्कुल रेडी होने के बाद। तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ, मतलब पहले चाय पियेंगे हम लोग, फिर उसके बाद नहाएंगे। तो अभी सब्जी की कटिंग हो रही है, अभी पूजा काट रही है सब्जी, और ये देखो हमारे घर जो हमने एक अजीब जानवर पाला हुआ है, ये देखो पूरे मतलब पूरे बिस्तर पे अपना राज करे रखती है ये रही है। इसे कुछ काम धंधा है नहीं, हम लेके आए थे इसे अपनी देखभाल के लिए, लेकिन अब देखभाल करते हैं इतनी, मतलब अब ये देखो ये दे। इसकी नींद पूरी नहीं होती, लैब्राडोर जो बोलते हैं ना कि लैब्राडोर मतलब आलसी होते हैं, वो बिल्कुल सही बोलते हैं, एक नंबर के आलसी है ये। तो गाइस अभी पहले बनाते हैं चाय वगैरह। तो गाइस अभी बना रहे हैं चाय, पूजा काट रही थी सब्जी, तो हमने सोचा कि हम ही चाय बना देते हैं, क्योंकि अभी फ्रेडी के लिए भी होना है। तो गाइस फटाफट चाय पीते हैं, क्योंकि बिना चाय के तो यार आंखें भी नहीं खुलती। तो अभी मैंने चाय रख दी है, अब फटाफट हम चाय बना लेंगे और फिर थोड़ा नाश्ता, हल्का फुल्का नाश्ता करके फिर रेडी होएंगे, फिर पूजा करेंगे, लड्डू को भोग लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑफिस भी थोड़ा साफ करना है आज, मैं आपको ऑफिस का भी आज दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो अभी लाइट जला लेते हैं, थोड़ा अंधेरा सो रहा है अब, सही है। ये देखो इसे ये आलसी खोल भी बैठी है, ये आलसी खोल, ये फ्रेडी, ये देखो इसे कोई काम धंधा नहीं है, बस ऐसे ही चढ़े बैठना रह रहा है, बस इसे बिस्तर पे है, बस ऐसा कुछ हो नहीं है, अभी बस भूख लग रही है, ऐसा जल्दी खाना मिल जाए और ऊपर जाएगी और फिर अपनी खाट पे जाके सो जाएगी। तो गाइस अभी चाय बन जाती है, फिर उसके बाद हम लोग नाश्ता करते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस फाइनली चाय हमारी बन गई है, अभी चलते हैं ऊपर, लड्डू और राधा रानी को भोग लगा देते हैं और फिर हम भी चाय पी लेते हैं, क्योंकि हम जो भी बनाते हैं सबसे पहले लड्डू और राधा रानी को भोग लगाते हैं, उसके बाद ही हम लोग खाते पीते हैं। भोग लगा देता हमने फ्री से। तो गाइस भोग हमने लगा दिया है, अभी चलते हैं नीचे और फटाफट चाय पी लेते हैं, फिर रेडी होते हैं, फिर पूजा करेंगे। तो गाइस नाश्ता हमने कर लिया है, अभी सीधे चलते हैं बाथरूम की तरफ, फटाफट नहाते हैं। तो पहले मैं अपने कपड़े वगैरह निकाल लेता हूँ।
नहा के और सही कपड़े वपड़े पहन के रेडी हो गया हूँ, तो अभी करते हैं फटाफट पूजा। तो लड्डू गोपाल को पहले स्नान करा देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ वासुदेव, श्री कृष्ण तो गाइस पूजा हो गई है, तो अभी चलते हैं हम दुकान पर। और आज श्राद्ध है तो उसकी तैयारी भी करनी है, अभी थोड़ा सामान वगैरह आना है। तो मैं अभी दुकान जाकर दूध वगैरह ले आता हूँ, क्योंकि खीर बननी है। तो अभी मैं दूध लेकर आता हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस अभी बन रही है, अभी तैयारी हो रही है उसकी श्राद्ध के, जो भी भोग वगैरह लगता है, जो भी बनता है। तो अभी फटाफट खाना बन जाएगा, फिर पूजेंगे श्राद्ध को अच्छी तरीके से। तो मिलते हैं आपसे हम थोड़ी देर में। तो गाइस खाना बन चुका है और अभी लड्डू और राधा रानी को भोग लगा देते हैं हम। खाना बन गया है, पापा खाना खाएंगे, तो अभी मैं जा रहा हूँ दुकान। तो गाइस पापा खाना खा के दुकान पे चले गए और मैं आ जाऊँ घर पर। वो मैं शूट नहीं कर पाया था क्योंकि मैंने बताया था आज हमारे पिताजी का मूड थोड़ा गर्म है, इस वजह से दुकान पे शूट नहीं कर पाया था। तो अभी आ गया हूँ मैं घर पर और अभी बन रही है पूरी। तो फिर हम भी खाना खाते हैं फटाफट और ऑफिस के थोड़े काम वगैरह निपटाते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे आगे। तो गाइस हमारा भी खाना बन गया है, तो अभी जो टाइम हो रहा है मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ एक बार। अभी हो रहे हैं 10:30, या आप एक बार देखो इसमें तो उल्टा दिखाया जाएगा। तो अभी हो रहा है टाइम 10:30, तो खाना पीना हम कर लेते हैं सुबह ही सुबह। रेडी आ जा, आओ फिर रेडी। तो अभी हम चलते हैं ऊपर
फटाफट हम भी खाना खा लेते हैं। तो हम लोगों का खाना लग गया है, यहाँ पे एक बार देखो। तो हम भी फटाफट खाना खा लेते हैं, फिर लगते हैं हम ऑफिस के काम में। मिलते हैं हम आपसे खाना खाने के बाद। तो गाइस फाइनली हम लोगों का खाना हो गया है और अभी बज रहे हैं लगभग, क्या टाइम हो रहा है अभी, पूरे 11 बज चुके हैं। और हम तारक मेहता भी देख रहे हैं, क्योंकि तारक मेहता देखते देखते खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। और कमेंट में बताना ज़रूर कौन कौन तारक मेहता देखते हैं। तो अभी फाइनली खाना हमारा हो गया है, अभी करते हैं हम बाकी का काम, जो भी हमें अभी पूरा दिन बच रहा है। अभी तो 11 बजे है, अभी थोड़ा ऑफिस का काम देख लेते हैं, कुछ बिल वगैरह देखने हैं, उसके बाद फिर हम एक कुछ शॉर्ट वीडियोस वगैरह बनाते हैं, फिर हम आपको वो भी दिखाते हैं। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। सो हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से। तो अभी बज गए हैं 12 और अभी हम बैठे हैं अपने ऑफिस में। ये मैंने आपको सुबह ऑफिस दिखाया ही था। तो अभी ऑफिस में एक्चुअली थोड़ा काम होगा, क्योंकि आप देख ही रहे हो ये थोड़ा जो सीलन वगैरह है, वो सीलन आ गई। एक्चुअली क्या है ना, ये जो वॉल है इस पर पाइप की जो इसमें फिटिंग करी गई है, वाटर पाइप की जो फिटिंग होती है वो एक्चुअली इस दीवार के अंदर है, और वो कहीं लीक हो गई है, जिस वजह से ऑफिस में सिलाबी आ गई है। तो अभी जो है ऑफिस में काम स्टार्ट होगा कुछ टाइम बाद, तो बहुत अच्छी तरीके से इंटीरियर वर्क होगा उसमें, जो मतलब मैं काम करवाऊँगा वो इंटीरियर वर्क होगा इसमें, तो फिर ऑफिस का लुक बहुत हद तक चेंज हो जाएगा। तो अभी करते हैं ऑफिस के काम ख़त्म, कुछ बिल वगैरह वेरीफाई करने हैं GST के, तो फिर उसके बाद जो है करते हैं काम। ये बिल हैं GST के, तो इन्हें चढ़ाना है क्योंकि मंथ हो गया है ख़त्म, आज है 1 तारीख। तो कुछ एंट्री भी करनी है कंप्यूटर पर, तो करते हैं वो काम फटाफट से ख़त्म और मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में। तो अभी बज रहे हैं लगभग 2 और ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गया हूँ दुकान पर, क्योंकि इस टाइम मतलब पापा जाते हैं घर पर आराम करने के लिए। दोपहर ही हो रही है, काफ़ी तेज़ धूप हो रही है, तो मैं आ गया था दुकान पर। तो अभी थोड़ी देर दुकान संभालते हैं, फिर उसके बाद 4-5 बजे तक पापा आएंगे, फिर हम लोग, फिर मैं दोबारा से ऑफिस जाकर थोड़ा काम वगैरह ख़त्म कर लूँगा। कुछ एंट्री करनी थी वो मैंने कर ली थी, फिर मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में।